बलरामपुर के वीर विनय चौराहे पर ओवरलोड गन्ने से लदा ट्रक पलट गया। ट्रक के नीचे एक स्कॉर्पियो और एक मोटरसाइकिल के दबे होने की जानकारी मिल रही है। मौके पर भारी संख्या में पुलिस बल मौजूद है। लोडर क्रेन की मदद से गन्ने हटाए जा रहे हैं। ओवरलोड गन्ने से लदा ट्रक के पलटने से एक स्कॉर्पियो और एक मोटरसाइकिल उसके नीचे दब गई। मौके पर अपर पुलिस अधीक्षक मान्यता श्रीवास्तव, RTO अरविंद कुमार यादव, CO सिटी बलवेश कुमार, नगर कोतवाली विनेश सिंह, देहात कोतवाल राजकुमार सरोज सहित भारी संख्या में पुलिस बल, स्वास्थ्य विभाग की एम्बुलेंस मौजूद है। क्रेन की मदद से बचाव कार्य जारी है। क्या है मामला भाई साहब? अभी हमें जब सूचना मिली, यही पास में हमारा घर है, सूचना मिली कि एक दुखद खबर है कि अभी वल्लभ भाई कॉम्प्लेक्स के सामने एक ट्रक पलट गया है जिसमें कुछ लोग दब गए। सूचना पाते ही हम लोग मौके पर भाग के आए तो ट्रक पलटा हुआ था और बहुत ज़्यादा गन्ना मतलब लटका हुआ था। और बलरामपुर की जनता को हम सलाम करेंगे, इतनी निडर और इतनी अच्छी। हम लोग तो सिर्फ सहयोग कर रहे थे भाई साहब, मगर 18 से 25 साल के वो बच्चे एक एक गन्ना वो खींच खींच के उस बोझ को ढीला करे हैं, फिर ले लेके कंधे पे। पहले 20 से 25 मिनट तो हम लोग यही नहीं जान पाए हैं कि अंदर कितने लोग हैं, कैसे हैं। मगर भैया 20-25 मिनट बाद कान से लगा लगा के गाड़ी के जब नज़दीक हम लोग पहुंच गए स्कॉर्पियो के और एक टू व्हीलर के, तो फिर लगा कि नहीं अब सब ठीक है। उसके बाद प्रशासन ने भी बहुत सुंदर काम किया, हम लोगों को काम करने का मौका दिया, बच्चों को भगाया नहीं, कायदे से निपटवाया गया। उसके बाद तब तक क्रेन आ गया, प्रशासन का मामला भी आ गया। कोई कैजुअलिटी नहीं है भैया, ईश्वर का बहुत बहुत। नेताजी ये जो हादसा हुआ है इसमें आप किसको दोषी मानते हैं? अब देखिए भैया, आए दिन घटनाएं होती हैं, ये बहुत चिंता का विषय है। गन्ने की ओवरलोडिंग को रोकने के लिए आप क्या? आज ही मैंने इसको देखा है, आज ही ये प्रण लिया है कि अब इस गन्ने की ओवरलोड पे एक आम जनमानस के साथ मिलके एक प्रभावी कदम उठाया जाएगा, चाहे चक्का जाम चाहे जिस भी तरीके से, कि शहर के बीचों बीच से ये ना निकले। अब आप ये मानिए कि आज बड़ी मुश्किल से समझिए कि जान बची है, वरना वो इतना बिजी पट्टी है कि वहाँ ठेले वाले रहते हैं, वहाँ पे गाड़ियाँ खड़ी रहते हैं, प्राइवेट टैक्सी सब, बहुत बड़ा कैजुअल्टी हो सकता था। मगर हम ईश्वर और अल्लाह का बहुत बहुत एहसान है कि कोई कैजुअल्टी नहीं हुई है। अब इस पे प्रशासन ध्यान दे, निश्चित रूप से किसी ना किसी दिन बहुत बड़ा खामियाजा इस ओवरलोडिंग और इस गन्ने के ट्रक की वजह से आम जनता को भुगतना पड़ेगा। इस हादसे में क्या है? ये वीर विनय से कोतवाली नगर की रोड पे जा रही थी ये गन्ने की ट्रक और अनियंत्रित होकर ये पलट गई, जिसकी वजह से गाड़ी स्कॉर्पियो है जो उसके नीचे आ गई थी। लकली इसमें किसी भी को कोई भी चोट या कोई हताहत नहीं हुआ है, लोगों ने रास्ता साफ करा दिया गया है और अब ट्रैफिक चल रही है। जो आज ये दुर्घटना हुई है ये तो काफ़ी दुखद है, लेकिन एक अच्छी बात रही कि इसमें कोई हताहत नहीं हुआ है और इनके खिलाफ काफ़ी चालान की कार्रवाई की गई थी, क्योंकि ये काफ़ी ऊंचाई तक लादे रहते हैं। इनको बंद तो नहीं किया गया था, लेकिन अब कल से अभियान चलाकर इनको बंद और चालान की कार्रवाई की जाएगी। जैसे खेतों में काम करने वाले कृषि योग ट्रैक्टर ट्राले जो चल रहे हैं, इनका ना परमिट है और ना ही ये टैक्स जमा करते हैं, उसके बाद भी कई गुना ज़्यादा ओवर लोड चलते हैं, इन पर क्या कार्रवाई की जाएगी? नहीं, जो अवैध हैं उन पर तो बंद चालान की कार्रवाई की ही जाएगी, जो वैध रूप से हैं वो भी ओवर हाइट या ओवर लोड नहीं चल सकते, वो भी नहीं चलना चाहिए। और ये संभवतः जो दुर्घटना हुई है ये बहुत कन्फर्म तो नहीं कर सकते, लेकिन शायद टायर फटने से ऐसा बताया जा रहा है। कहीं लगातार 3 वर्षों से आए दिन लोग दुर्घटना का शिकार होते हैं और निर्दोष लोग मारे जाते हैं इस हादसे में, के खिलाफ कल से कार्रवाई की जाएगी। अब जांच चल रही है। देखते रहिए DB भारती समाचार, नजर हर खबर पर।